हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर। तो जी चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैंने अपने दिन की शुरुआत कर ली है और अपने नए साल की शुरुआत भी कर ली है। तो जी उससे सबसे पहले हम लोग आज गए थे माता मंदिर। माता मंदिर के आप लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे, यानी कि शीतला माता मंदिर गुड़गांव में जो है वहीं पर गए थे दर्शन करने के लिए। तो जी भीड़ बहुत थी आज, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी देर में नंबर आया था नए साल पर। तो जी देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने हम लोग बिरयानी लेके आए थे, तो बिरयानी हम लोगों ने खाई है। तो जी जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने बिरयानी खाई थी नाश्ते में, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। करीबन 10:30 बजे का टाइम हो गया था हम जब तक वापस आए। तो ये हमें ये था कि हम क्या बनाएंगे, और मतलब अभी तो फिर खाना बनाने में मेरे को टाइम लगता, तो बस ये था कि हम आते हुए जो है बिरयानी ले आए थे, तो वही जो है हमने थोड़ी थोड़ी खा ली है। आप सब आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जी चलिए, आज मैं आप लोगों से कुछ बातें अपनी जो है वो करने वाली हूँ, यानी कि 2023 की हमारी शुरुआत हो गई है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों की जो 2023 है हमारा, काफ़ी अच्छे से गुजरे और बीते दिनों की यादें जो है हमारे साथ ना आए, क्योंकि बहुत कहते हैं कि जिंदगी जो होती है बहुत कुछ हमें सिखा जाती है और बहुत कुछ जो है हमें सीख पाते हैं हम। और तो मैंने तो यहाँ पर बहुत कुछ सीख लिया है, और तो आप लोग भी प्लीज़ अपना जो लाइफ का अपना कहते हैं ना कि एक एम सोच लीजिए। मैंने अपना सोच रखा है, मैंने ये अपना जो टारगेट है मेरा यूट्यूब का, यानी कि यूट्यूबर जो मैं बनना चाहती हूँ, और आप लोगों का अगर साथ और प्यार रहा तो ये पॉसिबल भी हो पाएगा। और तो ये है कि देखो, एक ना एक दिन तो होना ही है, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देंगे जल्दी से तो थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 2023 में जो ये कम्प्लीट, यानी कि 2023 हमारा शुरू हो गया है 1 जनवरी से, तो इसमें जो है मैं अपना चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ कर लूँ, उसके लिए मेरा थोड़ा सा सपोर्ट बनिए, और थोड़ा सा यानी कि साथ की जो है मुझे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। तो जी हैप्पी न्यू ईयर, और इतना ही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा एक कहते हैं कि भाई तिनके से जो है बूंद बूंद से सागर भरे, तो वही वाली बात है। अगर आप एक एक शेयर मेरी वीडियो को दे देंगे तो मेरी जो चैनल है वो ग्रो कर जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। तो जी फ्रेंड्स, बातें बहुत सारी हुई आप लोगों के साथ, और बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके मुझे। और तो जी बस उसी के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी मशीन लगा रखी थी, क्योंकि मैं आज कपड़े इसलिए धो रही हूँ, वैसे धोना तो नहीं चाह रही थी साल के पहले दिन ही, तो बस ये था कि मुझे कल जाना है गाँव यानी कि ससुराल, तो फिर ये था कि अपना जो काम है वो मैं कम्प्लीट करके जो है यहाँ से चली जाती हूँ। अदरवाइज़ जो क्या रहेगा कि मैं आऊँगी तो फिर कपड़े वगैरह जो है बहुत फैले फैले मिलेंगे मुझे यहाँ पर। तो मुझे ये था कि मैं फटाफट से अपना काम है वो निपटा लेती हूँ और आऊंगी, तो ये रहेगा कि थोड़ा कम ही काम मुझे जो है वो मिलेगा, और ऊपर से रक्षित के पापा को भी परेशानी यहाँ पे नहीं होएगी, क्योंकि वो यहाँ पे अकेले रहने वाले हैं। तो मुझे ये था कि भाई अगर आदमी जैसे भाई कपड़े वगैरह ना धुले हो फिर खुद, और एक तो उनके हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से मैंने आज जो है मशीन लगा ली थी। तो जी उसी के साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज खीर, यानी कि साल का पहला दिन है तो मैंने कहा मीठे से जो है वो शुरुआत की जाए, तो यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ। उसके लिए मैंने दूध अपना जो बॉयल कर लिया था पहले 5 मिनट, और फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे अपने चावल डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा चलाऊंगी ताकि ये नीचे ना लगे। और तो जी उसके बाद मैंने खीर अपनी रख दी थी बनने के लिए, फिर मैं आ गई थी छत पे अपने कपड़े सुखाने के लिए। और तो जी हमने हमारा क्या रहता है कि जैसे साल का जो हमारा पहला दिन होता है वो हम हर बार ही माता रानी के दर्शन करके तब शुरू करते हैं सुबह, जैसे ही भाई मॉर्निंग में उठे और उठते ही मंदिर गए, प्रसाद वर्षा चढ़ा के आए, और उसके बाद जो है अपना घर का काम स्टार्ट करते हैं। तो यही हमारा रूटीन रहता है हर बार का। बस पिछले साल नहीं जा पाए थे हम लोग समथिंग, क्योंकि उसके रक्षित के पापा जो है वो खाटू श्याम गए हुए थे तब, और इसी रीज़न की वजह से जो है हम मंदिर में नहीं जा पाए थे। तो जी इस बार साल का शुरुआत कर लिया है खूब अच्छे से, माता रानी की पूजा कर ली है, और तो उसी के साथ अपने घर की जो काम की शुरुआत है वो मैंने कर दी है। तो आज मैं कुछ इसी प्रकार से मैनेज करने वाली हूँ, यानी कि पहले पूजा पाठ की है, मंदिर गए हैं, उसके बाद आए हैं। तो अभी मैंने पोछा लगाया है, जस्ट मशीन लगा के हटी हूँ मैं, कपड़े मेरे धुल चुके हैं, और जैसे कि आप लोगों ने देखा नाश्ता हमने जो था बिरयानी का किया था, और लंच जो है वो हम लोग खीर खाएंगे, और जो हमारे घर से भाभी जी मेरी जो है वो कचौरी बना रही हैं, तो बस वो कचौरी आएंगी और उनको खाएंगे। तो ज़्यादा कुछ काम था नहीं आज, और उसके बाद जो है मुझे एक बार मार्केट जाना है, यानी कि यहीं पे अपने रोड पे जो है बगल में इधर की साइड, तो इधर ही मार्केट जाना है मुझे, सदर वगैरह नहीं जाना है। तो बस कुछ थोड़ा सा एक आध आइटम लेके आना है, कुछ सामान लेके आना है, तो बस ये था कि फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। और तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे कपड़े चेंज हो चुके हैं, तो जी सूट मैंने अपना निकाल दिया था, फिर मैं आ गई थी अपने घर के ड्रेस में। तो मैं मतलब जो मैं सामान लेने के लिए जाने वाली थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था वो मैं लेके आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं
अपने कपड़े जो है वो चेंज कर लूंगी, क्योंकि कल घर जाते टाइम भी मैं यही वाला सूट पहनने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, कल मैं जाने वाली हूँ ससुराल अपने, तो वहां का भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। मेरे ब्लॉग्स जो है वो डेली आते रहेंगे, तो अपना प्यार और प्रेम जो स्नेह है आप लोगों का वो बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने छोले थोड़े से अपने पैक कर लिए हैं, और तो ये छोले मैंने इसलिए पैक किए हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रखे हुए थे, और तो माँ जी ने बोला कि उनका छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा ये वाले छोले भी यूज हो जाएंगे, काफी दिन से रखे हुए थे। तो उसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी चाय बना रही हूँ, अभी तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो मुझे ये था कि फटाफट मैं चाय पी लेती हूँ। और रक्षित को जो था मैंने सुला दिया है, और रक्षित जो है आज दूध वगैरह पी के नहीं सोया है, वो बस ऐसे ही सो गया है, तो मैं उसको भी यहाँ पे जो है थोड़ा सी चाय और दूध मिला के जो है वो पिला दूंगी। तो बस देखिए, उसी के साथ मैंने यहाँ पे खड़े खड़े जो थे अपने बर्तन वगैरह लगा लिए थे, और तो चाय मेरी बन गई है, और इसको मैं छान लेती हूँ एक साइड अपने लिए और एक साइड रक्षित के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख रहे होंगे कि एक कचौरियाँ सी पूरी है, जो मतलब एक आलू के पराठे की है और एक दाल वाली कचौरी है, तो ये आ गई हैं, और इनको मैं चाय के साथ जो है खाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टेस्टी लगेंगी। वैसे इनके साथ आलू की सब्जी है तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, पर मैं जो है इनको ऐसे ही खा रही थी, तो मैंने कहा प्लेट में रख लेती हूँ और जब जो है मैं इसको खाती हूँ अंदर जाके। तो बस यहाँ पे मैंने रक्षित की और अपनी चाय ले ली है। तो जी फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। तो जी फ्रेंड्स, शाम का टाइम यहाँ पे हो गया था, अब मैं करने लगी हूँ अपने बैग पैक, यानी कि घर जाने की तैयारी जो है वो मैंने शुरू कर दी है। मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे जो मुझे लेके जाने हैं या फिर जो मैं रक्षित के डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने 3 से 4 ही सूट डालूंगी और एक नाइट ड्रेस जो है वो डाल लूंगी। और तो यहाँ पे रक्षित के कपड़े काफी ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसके ज्यादा ही लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि भाई बच्चा है, अगर इसके कम पड़ गए तो फिर वहां पे मुश्किल हो जाएगी, और ठंड भी पता नहीं किस हिसाब से गाँव में जो है वो मिलने वाली है, ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी। तो इसके कपड़े जो है वो मैंने ज्यादा ही ले लिए हैं, और बच्चे का क्या रहता है कि कपड़े पे अगर कुछ गिरा दे तो कुछ मतलब भाई बच्चे आने वाले हैं सिस्टर लोग के साथ में खेलेंगे शरारत करेंगे, तो ये हो जाएगा कि भाई एक दूसरे के मतलब शैतानी में कुछ कपड़ों पे गिर जाए। तो ये है कि चेंज वगैरह करने के लिए जो है मुझे काफी सारे कपड़े वहां पे चाहिएंगे। तो रक्षित के मैंने मैक्सिमम सारे ही कपड़े डाल लिए हैं, कुछ ही छोड़े हैं। तो बस इसी के साथ मेरा बैग पैक यहाँ पे हो गया है, और तो मैंने अपने भी डाल लिए हैं, और रक्षित के पापा के मैं डाल नहीं रही हूँ क्योंकि वो जा नहीं रहे हैं, वो यहीं पर ही रहने वाले हैं। तो जी बैग मेरा पैक हो गया था, उसके बाद जो है मैं अपने कपड़े की तय यहाँ पे करने लग गई थी। और रक्षित को आप लोग देख रहे होंगे, वो खेल रहा है आज ट्रक से जो कि ये लेके आया था, माता मंदिर से दर्शन करने गए थे तब, इसको काफी पसंद आया और इसने जो है बिल्कुल जिद कर ली थी कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो वैसे तो मुझे पता था कि ये घर जाते ही जो है इसको तोड़ देगा, और तो मैं मना भी करी थी, पर रक्षित के पापा है जो वो माने नहीं, तो उन्होंने जो है इसको दिला दिया। तो जी उसी के साथ मेरे कपड़ों की तय जो है वो हो गई थी, अब मैं कपड़े लगा देती हूँ, और उसी के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपने डिनर की तैयारी करने के लिए। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ सब्जी रोटी, तो सब्जी में बनाने वाली हूँ गाजर मटर और आलू की। तो बस मैं सारी सब्जी जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और तो बस फ्रेंड्स, और आज ये मेरा पहला व्लॉग है 2023 का, तो प्लीज सपोर्ट दीजिएगा थोड़ा सा चैनल को। तो देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में अपने प्याज टमाटर वगैरह भून लिए हैं, तो ये इसको मैं थोड़ा अच्छे से और पकाने के लिए इसमें मैंने मतलब पानी डाल दूंगी, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, क्योंकि कलर काफी अच्छा आ जाएगा लाल मिर्ची पाउडर से, तो मुझे ये था कि कलर काफी अच्छा खिला खिला आएगा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे प्याज टमाटर मेरे भुन गए थे मैक्सिमम, उसके बाद जो है मैंने अपनी गाजर मटर और आलू डाल दिए है। गाजर फ्रेंड्स इन दिनों में बहुत ही मीठी आ रही है, बहुत ही ज्यादा मीठी आ रही है, तो प्लीज अगर आप लोगों ने हलवा वगैरह कभी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है हलवा इन दिनों में। तो देखिए यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी और एड कर दूंगी, और सब्जी को थोड़ा थोड़ा चला रहूंगी, तो ये है कि पकते पकते जो है इसमें थोड़ी सी तरीदार भी हो जाएगी और थोड़ी सी ये सूखी सूखी भी बन जाएगी। तो ज्यादा पानी वाली सब्जी भी मैं नहीं बनाने वाली हूँ, और बिल्कुल मतलब सूखी भी नहीं बनाने वाली हूँ, मीडियम साइज जो है वो मैं रखने वाली हूँ। तो जी सब्जी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी, उसके बाद में आ गई थी डायरेक्ट अपना जो है आटा लगाने के लिए। आटा लगा देती हूँ, और तो फिर ये रहेगा कि फटाफट से रोटी वगैरह बना के और अपना जो है मुझे प्रेस करनी है, एक आध सूट के और रक्षित के पापा की पैंट शर्ट है एक आध, उसको प्रेस करनी है। तो मुझे ये था कि पहले मैं अपने काम किचन का काम जो है उसे निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है अपने प्रेस की साइड में बढ़ूंगी। तो जी कुछ इसी प्रकार से जो मैं अपने दिन का जो काम होता है सारा उसको मैनेज करके चलती हूँ, और बिना किसी की हेल्प से। तो मैं सिर्फ जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं व्लॉग्स में बताती हूँ कि मैं अपने आप ही काम करती हूँ, मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई है, मेरा कोई मतलब साथ में कोई है नहीं कि भाई जो मेरी हेल्प कर दे, बस इसी प्रकार से जो मैं अपने कामों को मैनेज करती रहती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। एक तो क्या रहता है ना कि अगर आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है तो इतनी आप लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ती है किसी हेल्पर की या फिर किसी के सपोर्ट की कि आप लोगों का काम कोई करवाए या फिर कोई मतलब थोड़ी बहुत हेल्प करवा दे, अगर आपका होम जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। तो जी
जी आटा वगैरह मेरा लग गया था और फिर मैं उसके बाद आ गई थी यहाँ पे प्रेस करने के लिए। तो ये वाला सूट है ये भी मैं लेके जाने वाली हूँ, ये आज मैंने रेडी कर लिया है तुरपाई वगैरह करके अच्छे से बिल्कुल। तो अभी मैं फिलहाल जो है इस पे प्रेस कर देती हूँ। प्रेस कर जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने रक्षित के पापा के कपड़ों के जो है वो प्रेस कर दी थी यहाँ पे, और तो फिलहाल मैं अपने भी इस सूट पे जो है प्रेस करने लग रही हूँ। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे ये मेरा सूट जो है वो नया है, तो मैं इस पर बिल्कुल जहाँ पे सिलाई है वहाँ बिल्कुल अच्छे से जो जमा जमा के प्रेस कर रही हूँ ताकि जो मेरी सिलाई है वो अच्छे से जम जाए। और तो देखिए काफ़ी अच्छा लगेगा ये सूट, मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है। बाकी पहनेंगे तब आप लोग उसे शेयर जो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने खुद ने सिला है और खुद सिले हुए चीज़ की बात ही कुछ अलग होती है। और तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से कपड़े सिलना भी। और दूसरा ये रहता है कि जो अपना मतलब भाई बाहर स्टिचिंग के जो है पैसे वगैरह बचते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। हालांकि मैं टाइम मेरे पास बहुत कम होता है सिलने वगैरह का, तो बस यही बात है। और तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई अपना खुद से ही कर लो, चाहे मैं लेट करती हूँ बल्कि, पर मैं अपना खुद से ही सिल लेती हूँ लास्ट मूवमेंट तक जब तक मुझे कहीं जाना होता है। तो उसी के साथ यहाँ पे मैं अपना दूसरे वाला जो सूट है इसको भी प्रेस कर रही थी। ये काफ़ी दिन से जो है केट के पीछे टंगा हुआ था, तो मुझे ये था कि मैं फटाफट इसको भी आज प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि एक ये कुर्ते के लिए स्पेशल मुझसे जो है प्रेस नहीं लगाई जा रही थी कि भाई एक कुर्ते के लिए स्पेशल मैं प्रेस लगा के फिर फटाफट से कर दूं। तो बस ये था कि मैं अब जो है इसमें फटाफट से कर देती हूं। और तो आज फ्रेंड्स मुझे इसका एक शॉल भी मिला है बिल्कुल इसके मैचिंग का है, तो उसकी मैं जो है सलवार बनाऊंगी पहनने के लिए। तो जी पहनने के लिए, और फिर ये रह जाएगा कि थोड़ा सा इजी रहेगा। और तो मैंने इस वाले सूट की जो है लेगी बनवा रखी है, वो मुझे इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है पहनने में, तो मुझे ये था कि मैं आज मुझे वो साल दिख गया है तो ये रहेगा कि उसे थोड़ा सा बहुत मैं कोशिश कर सकती हूँ सलवार वगैरह बनाने की। तो जी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स।